द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा युइलिंग जी मोलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी टियानमिंग बीच में आकर युइलिंग जी को रोक लेता है। अब टियानमिंग को बीच में आता देखकर युइलिंग जी टियानमिंग से कहती है, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, तुम लोगों को मारने के बाद मैं कम से कम 7 लोगों को मार चुकी होंगी, अब मुझे अबाइसल ट्रायल्स के विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये सुनकर टियानमिंग के होश उड़ जाते हैं एंड वो कहता है, क्या उसने एक रो में 5 लोगों को मारा? मैं सोच रहा हूँ क्या उसने वर्मिलियन बर्ड से मू क्विंग क्विंग या जैंग क्विंगलियान को मारा होगा या नहीं। एक बार अगर मैं युइलिंग जी से यहाँ पर लड़ना शुरू कर देता हूँ तो मोलिन के लिए यहाँ पर रहना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अब हम मोलिन को देखते हैं जो कि अपने बीस्ट को अपने हाथ में लेकर काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि उसके बीस्ट को काफी ज्यादा चोट आई होती है। अब टियानमिंग मोलिन से कहता है, ब्रदर मोलिन आप यहाँ से जा सकते हैं। अब ये सुनकर मोलिन उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं भागूंगा। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग हमें यहाँ से सबसे पहले मोलिन को भगाना होगा, नहीं तो उनके लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ठीक है। अब जैसे ही युइलिंग जी इस बात को सुनती है तो वो हंसने लगती है एंड वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है एंड कहती है, मेरे सामने भागना ये तो नामुमकिन है। अब युइलिंग जी मोलिन पर हमला करने के काफ़ी ज़्यादा करीब होती है, लेकिन तभी टियानमिंग उड़ते हुए मोलिन को बचा लेता है एंड आगे भागने लगता है। अब युइलिंग जी अपने बीच से कहती है, उनको फॉलो करो। अब वो लोग एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं। अब अचानक से वो दोनों टाइम फील्ड के अंदर फंस जाते हैं जिसके कारण युइलिंग जी का अटैक काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब युइलिंग जी अपने आप से कहती है, मेरे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। अब टियानमिंग भी काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। टियानमिंग मोलिन से कहता है, मोलिन हम फॉर्मेशन बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम एक सेम प्लेस पे आ पाएंगे या नहीं। अगर हम सेम प्लेस पे नहीं आते हैं तो जहाँ कहीं पर भी आप होंगे आपको वहाँ पर एक छुपने की जगह ढूंढनी होगी। और हाँ, आपको हेवेंस एलिसियम के बारे में भूलना होगा। अब तभी फिनिक्स भी टियानमिंग से कहता है, मैं भी अपने लाइफ बॉन्ड स्पेस के अंदर जा रहा हूँ। अब मोलिन टियानमिंग को शुक्रिया कहता है। अब वो लोग अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब टियानमिंग एक जगह पर जाकर नीचे गिर जाता है। टियानमिंग अपने आप से कहता है, मोलिन शायद किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेड हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से पूछती हैं, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? अब टियानमिंग कहता है, मैं ठीक हूँ। अब टियानमिंग डींगे हाँकने लगता है। वो कहता है, अगर ब्रदर मोलिन मेरे साथ नहीं होते तो मैं युइलिंग जी को आराम से हरा देता। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग तुम्हें क्या लगता है, क्या प्रिंसेस क्विंगलुआन? अब ये सुनकर टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग के पास जाता है एंड उनके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, वो सेफ रहेंगी, हम उन्हें ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। अब तभी फीनिक्स भी वहाँ पर आता है एंड टियानमिंग से कहता है, युइलिंग जी एंड प्रिंसेस क्विंगलुआन में से सबसे ज़्यादा क्यूट प्रिंसेस क्विंगलुआन ही है। और फीनिक्स की ये बात सुनकर टियानमिंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसके पास जाता है एंड वो उसके गाल खींचते हुए कहता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया जिसकी वजह से स्टॉर्म का सारा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा, तुम तो आराम से जाके लाइफ बॉन्ड स्पेस में छुप गए। अब ये सुनकर फीनिक्स भी बहाना देते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं उड़ जाता। अब उन दोनों की ये मस्करी देखकर प्रिंसेस फीलिंग पीछे से हंस रहे होते हैं। अब तभी टियानमिंग एक सेमी फॉर्मेशन सर्कल को देखता है एंड वो उसे देखकर कहता है, अरे हाँ ये तो एक सेमी सर्कल फॉर्मेशन है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सेमी सर्कल फॉर्मेशन की हाईएस्ट पॉइंट है वो भी फॉर्मेशन सेंटर होगा, शायद सभी लोग वहीं पर आए होंगे। अब ये सुनकर फीनिक्स पीछे से कहता है, हाँ ये चीज़ लॉजिकल है। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग का हाथ पकड़ता है एंड वो उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, चलो प्रिंसेस फीलिंग हम वहाँ पर चलते हैं। अब क्योंकि हम प्रिंसेस क्विंगलुआन को ढूंढ तो नहीं पाए लेकिन हम वहाँ पर जाकर उनके लिए इंतज़ार कर सकते हैं। अब ऐसे करते करते 19वां दिन आ जाता है अबाइसल ट्रायल्स का। अब वो लोग फाइनली फॉर्मेशन सेमी सर्कल के हाईएस्ट लेवल पर पहुँच जाते हैं। अब टियानमिंग नज़ारे को देखते हुए कहता है, ये हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन का सेंटर है, लेक ऑफ 10,000 आइलैंड्स। क्या बाकी के सभी लोग यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं? अब तभी टियानमिंग को मोलिन की आवाज़ आती है, मोलिन
वहाँ पर अकेला नहीं होता, मॉलिन के साथ वहाँ पर शेनाओ एंड शिंक्वी भी होते हैं, जो कि टियानमिंग को देखकर अपना मुंह बना लेते हैं। अब टियानमिंग शिंक्वी एंड शेनाओ को देखकर कहता है, ओ तो तुम दोनों भी यहाँ पर हो। अब तभी मॉलिन भी नोटिस करता है कि पहले तो शिंक्वी एंड शेनाओ अभी काफी हंसी खुशी में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तो आखिर अब इन्हें क्या हो गया। अब ये सुनकर टियानमिंग मजाक में कहता है, शायद इन लोगों का पेट खराब है। वैसे ब्रदर मॉलिन, क्या आपने प्रिंसेस क्विंगलुआन को देखा है? अब ये सुनकर मॉलिन कहता है, नहीं मैंने अभी उन्हें नहीं देखा है। अब टियानमिंग यही चीज शेनाओ एंड शिंक्वी से भी पूछता है, लेकिन वो लोग उसका कोई भी जवाब नहीं देते। अब टियानमिंग मॉलिन से कहता है, तो ठीक है, अब क्योंकि तुम सभी लोग इंजर्ड हो तो तुम सभी लोग इस केव के अंदर रहो, मैं तब तक प्रिंसेस क्विंगलुआन को ढूंढने जाता हूँ। अब ये सुनकर मॉलिन पीछे से टियानमिंग को कहते हैं, ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। अब टियानमिंग वापस से प्रिंसेस क्विंगलुआन की खोज की जांच को वापस से शुरू कर देता है। वो उड़ते हुए उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। अब टियानमिंग कहता है, अब क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है तो शायद प्रिंसेस क्विंगलुआन किसी केव के अंदर छुपे होंगे। अब तभी टियानमिंग युई लिंगजी को देखता है। टियानमिंग युई लिंगजी को देखकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो छुपकर उसे देखने लगता है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। माता नहीं।